हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट। माय नेम इज निर्दोष कुमार। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि जो हमारा सब्जेक्ट था रीजनिंग, और रीजनिंग में हम लोगों ने काफ़ी सारे टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए हैं, जैसे कि आपका कोडिंग डिकोडिंग्स है ना, रैंकिंग्स, टेस्टिंग्स। तो उसी को आगे चलते हुए आज का जो न्यू टॉपिक है हमारा वो है एनालॉगी। एनालॉगी आपने देखा होगा, रीजनिंग का जो पहला टॉपिक ही क्या होता है बेटो, एनालॉगी होता है। मैंने सीरीज से स्टार्ट किया था, तो डिपेंड करता है कि आप कहाँ से स्टार्ट करते हैं। कोई इसका कोई बड़ा वैल्यू नहीं है कि कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए उनको। तो चलिए आप सबसे पहले ज्वाइन कर लीजिए जल्दी जल्दी, चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। घर में जितने भी फोन हो, लैपटॉप हो, या फिर आपके व्हाट्सएप ग्रुप हो, कुछ एजुकेशनल ग्रुप भी होंगे, कुछ दोस्तों के ग्रुप भी होंगे और कुछ फैमिली ग्रुप भी होंगे, तो उन ग्रुपों पर भी आप इसको सेंड कर दीजिए चीज़ों को। क्योंकि जितना ज़्यादा वॉचिंग हुआ उतना ज़्यादा हमारे और आपके लिए फ़ायदा हुआ। क्योंकि कई बार क्या होता है, जिन बच्चों को नीड होती है उनके पास तक ये सब कंटेंट नहीं पहुँच पाता है। तो कंटेंट हर बच्चे तक पहुँचे जिसके पास नीड है चीज़ों को, ठीक। क्योंकि ये सब चीज़ें, अब एनालॉगी क्या होता है बेटा, एनालॉगी बच्चों दो टाइप से हो सकता है आपके पास। या तो वर्डों में होता है, मतलब अल्फाबेट में, या फिर न्यूमेरिकल नंबर में होगा चीज़ों को। और न्यूमेरिकल नंबर में होगा तो किस प्रकार से, जैसे न्यूमेरिकल नंबर में होता है तो एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको। एग्जाम्पल देता हूँ न्यूमेरिकल नंबर में होगा तो, अभी थोड़ी सी थ्योरी हम कंप्लीट कर लेते हैं फिर स्टार्ट करते हैं आपका एग्जाम्पल लगाना। जैसे मेरे पास बेटा रखा है यहाँ पे, ठीक, ए, और मुझे इसकी वैल्यू बतानी है बेटा चीजों को। अब इसकी वैल्यू बतानी है तो मैं आपको ऑप्शन लिख देता हूं यहां पर चीजों को। 81 सेकंड, 82 थर्ड होगा आपका, 90 और फोर्थ है आपके पास नन ऑफ दीज। अब कई बच्चे बोलेंगे इसमें डायरेक्टली हम मल्टीप्लीकेशन कर दें तो आंसर आ जाएगा क्या, पॉसिबिलिटी नहीं दिखाई मुझे तो यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा, यहाँ पे पॉसिबिलिटी ही नहीं दिखाई देती है कि आंसर आ भी सकता है चीज़ों को, ठीक है ना। क्योंकि कई बार क्या, चलिए इसको मैंने ऑप्शन को चेंज कर देता हूँ यहाँ पे, लीजिए। अब इसमें आप मल्टी इससे कैंसिल आउट करेंगे, 9 बार जाएगा, 9 जा 81, तो एक्स इक्वल टू बेटा क्या 81, और 81 बेटा मेरे ऑप्शन में भी नहीं है। तो एनालॉगी में बेटा क्या होता है यहाँ पे चीजों को, इसमें डायरेक्टली कुछ आंसर दे रखे होते हैं ऑप्शन में, लेकिन वो आंसर मैच नहीं करते हैं। इसमें कुछ ना कुछ आपकी ट्रिक जरूर होती है चीजों को, ठीक है ना। तो इस ट्रिक को देखते हैं कि जैसे मेरे पास यहाँ पे बेटा गिवन है 8/72, ठीक, 9/, यहाँ पहले तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते हैं चीजों को, क्योंकि यहाँ पे इक्वल नहीं है चीजों को, ठीक ना। और यहाँ पे x है तो इसको आप चेक कर सकते हैं कि 8/64 + 8 इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे 72। तो इसी प्रकार से 9/81 + 9 = 90। तो बच्चों हम इस प्रकार से चेक करेंगे यहाँ पे, तो ये होगा मेरा 90, ना कि मेरा यहाँ पे 81 कोई, क्योंकि यहाँ पे आपका इक्वल टू तो यहाँ पे है नहीं कि मैं इसका इक्वल टू यहाँ पे लगा सकूँ चीज़ों को। तो इस प्रकार से कुछ वर्डिंग होते हैं, और आपको इसमें स्क्वायर, अब देखिए यहाँ फिर स्टार्ट हो रहा है आपका स्क्वायर, क्यू रूट्स है ना, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एनालॉगी में आपको सब कुछ आना चाहिए, और एनालॉगी में कई बार क्या होते हैं वर्डिंग प्लस न्यूमेरिकल नंबर दोनों को यूज किया जाता है चीज़ों को, ठीक ना। तो इन सब को यूज करने के साथ साथ आपको और भी सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। इन दिस क्वेश्चन बेस्ड ऑन द बर्ड एनालॉजी, बर्ड एनालॉजी एंड टू बर्ड्स आर गिवन
रिलेटेड टू ईच अदर समवे, कोई दो वर्ड बेटा गिवन होंगे और किसी तीसरे वर्डों के आपसे कुछ पूछ रहा हो चीजों को कि इसके बाद से कौन सा वर्ड आएगा चीजों को यहाँ पे। द कैंडिडेट हैज बीन फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन अप्लाई एंड सम चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव विच इज आइदर इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स और पेयर ऑफ वर्ड। ठीक, सम ऑफ इम्पोर्टेंट वर्ड रिलेशन ऑफ द फॉलोइंग, कुछ बेटा वर्डिंग के रिलेशन भी फूकते हैं और कुछ नहीं फूकते। तो बेटा इसी प्रकार से जैसे कि सी टेट में देखा होगा कि एनालॉगी पैडागॉजी जो भी होता है फलाना टिकाना ना सब चलता रहता है चीजों को, तो आपको ओनली इसमें वर्डों के साथ मालूम होना चाहिए, इसमें स्क्वायर मल्टीप्लिकेशन यहाँ परफेक्ट होना चाहिए। आज मैं आपको इतना नहीं कहूँगा कि बच्चों आपके पास 25 तक के स्क्वायर आने चाहिए, नहीं, अब 5 का 6 हो सकता है और 5 की पावर 8 भी हो सकती है, 3 की पावर 6 हो सकती है, तो कुछ भी होता है, जो पावर ऐड हो रही है उसी को हम ऐड कर सकते हैं चीज़ों को, या जो नंबर है उसके स्क्वायर के फिर उसको ऐड कर दिए फिर भी आंसर आ। तो आपको चारों ओर से सोचना है इसमें, इसीलिए मैंने पहले इसको नहीं कराया था चीज़ों को। ठीक, कई बार बच्चे क्या होता है कि एनालॉजी पढ़ के ही बोलते हैं, आप लोगों ने रीजनिंग होकर नहीं छोड़ देते हैं, इसीलिए पहले हमने इजिली स्टार्ट किया था, बाद में हम थोड़ा टपके हुए। कई टीचर्स क्या होते हैं स्टार्टिंग पॉइंट ही रख देते हैं एनालॉजी, तो वो मेरा कॉन्सेप्ट नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं चीजों को। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है यहाँ पे, इन दिस क्वेश्चन देयर आर सर्टेन रिलेशन बिटवीन टू गिवन नंबर्स, है ना, लेफ्ट साइड एंड अदर नंबर इज गिवन ऑन द राइट साइड of an other number which is found the relation alternative, find the missing term beta। chaliye aapke paas yahan pe left hand side de rakha hai, yahan pe 30 aur 36 by x se beta chalo humko beta x ki value batani hai, ab kitna hoga cheezon ko, ab kya beta aapka aur iska koi relation dikhai de raha hai, hum check karenge yahan pe cheezon ko कि 6 3 जा 18 और 6 5 जा 18 सॉरी 18 और 30, तो 6 से बेटा कैंसिल आउट हो जाए तो कितना हो जाएगा 3/5, तो क्या बेटा यहाँ पे आपको 36 लाना है, तो कोई नंबर बेटा यहाँ पे कैंसिल आउट हो सकते हैं चीजों को कि ए वाला नंबर है। अब इनमें रिलेशन क्या दिखाई दे रहा है आपको, इनमें कोई रिलेशन दिखाई दे रहा है चीजों को, पॉसिबिलिटी नहीं बेटा, कोई रिलेशन हमको नहीं दिखाई दे रहा है, तभी तो बेटा मैं, लेकिन बेटा मैं इस प्रकार से रिलेशन देख सकता हूँ चीजों को कि 18 इंटू 2 माइनस 6 कितना आ गया बेटा मेरे पास यहाँ पर 30 आ गया। कहीं इसको आप कैंसिल आउट कर देंगे तो फिर वैल्यू नहीं निकलेगी, फिर वैल्यू आपके पास यहाँ से नहीं निकलेगी, इस बात को आप मानना चीजों को यहाँ। ठीक, अब क्या बोला जा रहा है बेटा यहाँ पे, मेरे पास 36 और ऊपर में हमने जो बेटा आपका जो बनाया हुआ पैटर्न है वो बनाया कि ऊपर की संख्या का डबल कर दिया और 6 के माइनस कर दिया, तो यहाँ पर कितना आएगा यहाँ पर 30, तो अपने लेफ्ट हैंड साइड का पैटर्न देखा और इसी पैटर्न को फॉलो करती है राइट हैंड साइड जाएंगे चीजों को। अब राइट हैंड साइड क्या बेटा बोला यार आपसे, राइट हैंड साइड आपसे बोला जा रहा है यहाँ पे कि 36 इंटू 2 माइनस 6 72 माइनस 6 इंटू 66, ऑप्शन बेटा कहीं है 66 बेटा, तो आपको जो पैटर्न आपका राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड फॉलो हो रहा है उसी पैटर्न को हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, या फिर जो पैटर्न आपका राइट हैंड साइड फॉलो हो रहा है उसी पैटर्न को हम लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे चीजों को, तो पैटर्न फॉलो होना चाहिए चीजों को आपके पास। ठीक है, तो आपके पास कितना यहाँ पे 66 है, यहाँ पे 66 बेटा। ठीक है, तो मेरे पास क्वेश्चन था, तो बेटा मेरा ए पैटर्न है मेरे पास यहाँ पे, सॉरी ए पैटर्न है लेफ्ट हैंड साइड का कि इसी नंबर को दुगना कर दिए माइनस 6 कर दिए तो 30 आ जाएगा, और इसी नंबर को दुगना कर देंगे माइनस 6 तो यहाँ पर, क्योंकि कई बच्चे आपको इस प्रकार कर देंगे, कई बच्चे इस प्रकार से करते हैं यहाँ पे, इस चीज को हम इक्वल टू लगा लेते हैं बच्चे यहाँ पे और इसको इस प्रकार से करेंगे, तो 3/5 3 × 3 और 1 × 12 × 5 = 60, तो बेटा यहाँ पे क्या 60 है क्या, आ ही नहीं सकता चीजों को,
आ ही नहीं सकता बेटा चीजों को, मतलब आपका कोई ना कोई तो यहाँ पे पैटर्न बन रहा है, उस पैटर्न को फॉलो करना है आपको। ठीक, पैटर्न को फॉलो करेंगे तभी एनालॉगी क्वेश्चंस होंगे, पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहे बच्चों तो एनालॉगी क्वेश्चंस नहीं होंगे आपसे। ठीक है, तो पैटर्न को फॉलो करना है आपको। लीजिए, ए रहा, अब मेरे पास दे रखा है बेटा कि लेफ्ट हैंड साइड दे रखा है यहाँ पर 3/243, 5/x। यहाँ मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, क्या बताया था, कुछ तो बताया होगा कि तीन संख्या जो बार बार रिपीट होती है चीजों को, कब रिपीट होती है आपको मालूम होगा चीजों को, आई होप इतना करिए आप चीजों को। आप चेक कीजिए यहाँ पे इसका पैटर्न क्या होगा बेटे बच्चों, यहाँ पे 3, ऊपर तो बेटा 3 है लेकिन मैं इसका अब स्क्वायर क्यूब, 3/4 ये सब कर सकता हूँ चीजों को। यहाँ पर लिखते हैं, स्टार्ट करते हैं चीजों को, तब मुझे पैटर्न पता चलेगा कि कौन सा पैटर्न यहाँ चल रहा है। 3 3 3 × 3 9 27 81 ये होगा 243, मतलब 3/5। तो बेटा मैं लिख सकता हूँ 3/5 ऊपर बेटा 5 है तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 5/5। अब 5/5 बेटा 5 क्या होता है, क्योंकि 5/4 तो होता है 625, क्योंकि आप इसको नोट डाउन कर ले सकते हैं चीजों को, 5 × 5 × 5 × 5 × 5 25, 125, 625, और होगा बेटा हमारे यहाँ पे 625 × 5 इज इक्वल टू 5 2 × 5 = 10, दोबारा 6 5 = 30 31 31 25। तो मतलब बेटा यहाँ पे कितना मालूम हो चाहिए यहाँ पे कि 5/5। अब 5/5 का आंसर कितना आता है वो बच्चों आपको मालूम चाहिए, पैटर्न क्या था बेटा यहाँ पे कि 3/243 था। अब ऊपर बेटा हम कुछ मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते, घटा नहीं सकते चीजों को, पैटर्न तो बना सकते चीजों को, लेकिन पैटर्न तो हम बेटा हम ऊपर से फॉलो करेंगे नीचे की ओर, जो लेफ्ट हैंड साइड का पैटर्न बनेगा उसी पैटर्न को फॉलो करना पड़ेगा हमको राइट हैंड साइड के लिए। ये LHS है और ये बेटा मेरे पास RHS है, फॉलो तो बेटा करेंगे आप LHS को तभी RHS निकलेगा चीजों को। अब मुझे RHS इस बार निकालना है तो इसलिए बेटा 3 का पैटर्न फॉलो करा है कि 3/5 है, इस इक्वल टू 243 होता है, तो मैं 5/5 कर दूंगा तो कितना होता है 31/25 होता है चीजों को आपको। ठीक बच्चों, इतना क्लियर, स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। अब बेटा यहाँ पे क्या है कि 6/222 है, सच दैट 7/ फाइंड आउट करना है। अब इसका पैटर्न, अब मुझे मालूम है कि 6 के साथ बेटा यहाँ पे बहुत ज्यादा स्क्वायर हो रहा होगा या मल्टीप्लीकेशन हो रहा होगा चीजों को, तो सबसे पहले हम चेक करते हैं सिक्स, क्योंकि ऊपर ओनली सिंगल नंबर है क्या करेंगे, और यहां 3 डेट का नंबर है तो मल्टीप्लीकेशन होगा या किसी 6 का स्क्वायर हो रहा होगा चीजों को, वही चीज होगा या क्यू हो रहा होगा चीजों को। इसीलिए आपको मैंने बोला कि एनालॉगी पढ़ने से पहले आपको स्क्वायर रूट एंड क्यू ये सब कुछ मालूम होना चाहिए, मल्टीप्लीकेशन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ये भी मालूम होना चाहिए। अब ये सब चीजें आपको मालूम नहीं है तो आप दिक्कत में आ सकते हैं बच्चों। ठीक, तो यहां चेक करते हैं, 6 × 6 × 6 6 36, 36 × 6 6 3 18 21, मतलब बेटा मेरे मैं बहुत करीब पहुंच गया 222 के और 216, और इसमें कहीं मैं 6 को ऐड कर देता हूं बच्चों तो मेरे पास हो जाता 2 2 2, मतलब मेरे पास बेटा जो पैटर्न बन के आया है, पैटर्न आया कि 6 × 6³ + 6 ए आया इज इक्वल टू, तो 7 7³ + 7 यही पैटर्न बनेगा, यही पैटर्न बनेगा चीजों को यहाँ पे, कि इसका 3 × + 6 कर दिया तो 222 हो गया। तो सेम नंबर बेटा यहाँ पे है तो 7/7³ + 7, अब 7/3 कितना होता है, 7 × 7 × 7 ये होता है बेटा मेरे पास 49 × 7, यहाँ बच्चों होता है 63 6 28 34, 243 मुझे मालूम था प्लस 6 से यहाँ पे तो कितना हो जाएगा 350, 350
और 350 बेटा हमारे पास कई ऑप्शन में है, तो डी इज द राइट आंसर, ए हो जाएगा बेटा हमारा 7/350। इस प्रकार से एनालॉगी के बेटा पर सवालों को लगाया जाता है, अप्रोच किया जाता है। सवाल को अप्रोच करना ये बेटा बहुत बड़ी बात है एनालॉगी में। आप सवाल को अप्रोच सही से नहीं कर रहे हैं, सवाल आपका नहीं होगा। तो सवाल को आप अप्रोच करिए, लेकिन सही मायने में कीजिए बेटा, सही आपका कॉन्सेप्ट होना चाहिए अप्रोच करने के लिए। आपका सही कॉन्सेप्ट नहीं है तो अप्रोच आपकी हमेशा गलत। इसीलिए बोला जाता है कि जब आप अप्रोच करो ना, और किसी भी को बेटा अप्रोच करो, ठीक, चाहे सवाल हो और चाहे बेटा आपकी लाइफ के कुछ डिसीजंस हो, पावरफुल होने चाहिए चीज़ों को आपके पास, सवाल हो या किसी चीज़ को अप्रोच करना हो बेटा यहाँ पर, तो पावरफुल टाइप से लेना चाहिए, ठीक। तो कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि सर यहाँ पर कोई दिक्कत हो रही मुझे, मैं अगेन पूरे लेक्चर्स को रिपीट कर सकता हूँ चीज़ों को बस, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए चीज़ों को। कोई दिक्कत है आप एनी टाइम कॉन्टेक्ट फॉर दिस इंस्टीट्यूशन, ठीक। अब आपसे बोले यार बेटा यहाँ पे क्या है, 68/134 such that x/350। बेटा मेरे पास ऊपर क्या है, टू डेट का नंबर है और यहाँ पे बेटा मेरे पास क्या है, 130 है। क्या बेटा यहाँ पे 130 है, तो आप बताइए अब इसका क्या होगा, इसका क्या होगा बेटा। अब देखिए क्या मैं इसका दोगुना करके कुछ घटा सकता हूँ चीजों को, इसका दोगुना करके मैं कुछ घटा सकता हूँ चीजों को, लेकिन नहीं घटा सकता चीजों को। आप चेक कीजिए यहाँ पे 68 × 2 कितना हो गया बेटा यहाँ पे 6 × 1 = 12 13, ठीक, -6 कर दो बेटा चीजों को तो कितना आ रहा है बेटा चीजों को, -6 कर रहा बेटा चीजों को तो बेटा कितना आ रहा है 130। एक तो बेटा पैटर्न मेरा इतना हो गया। अब मैं इसी बेटा फॉर्म में करता हूँ तो इसमें से -6 करता हूँ यहाँ पर 244 / 2 17 172। तो क्या बेटा 172 आपने जो बेटा फॉलो किया है तो 172 यहाँ पर कहीं पे है, 172 का दोना किया -6 कर दिया, तो क्या बेटा पैटर्न फॉलो हो रहा है, नहीं हो रहा है। मतलब इसमें बेटा कहीं ऑप्शन में नहीं है, मतलब जो मैंने पैटर्न बनाया हुआ है ये पैटर्न बेटा मेरा यहाँ पे रॉन्ग साबित हो गया बच्चों। अब देखिए रॉन्ग साबित हो गया, अब मुझे बेटा कुछ और दिखाई दे रहा है यहाँ पर, मुझे कुछ और दिखाई दे रहा है। मैं 4 का क्यू लेता हूँ प्लस 4 कर देता हूँ, तो 4 का बेटा क्यू कितना होता है 64 + 4 = 68। मैं यहाँ पे 5 का क्यू लेता हूँ प्लस 5 लेता हूँ, 125 + 5 कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ पे मेरे पास, हो जाएगा यहाँ पे 130 such that। अब ए मुझे दिखाई दे रहा है 7 का क्यू प्लस 7, तो बेटा अभी जस्ट किए थे लास्ट वाला बेटा 343 + 7 = 350। ऊपर क्या हो रहा है बेटा पास 6 का क्यू प्लस 6 का बेटा क्यू कितना होता है 216 + 2 = 200 बेटा, तो बेटा मेरे पास आएगा ये 220। आप इसको खुद चेक कर सकते हैं 216 + 6 = 220 बेटा। इस प्रकार से पैटर्न मैंने तभी आपसे बोला कि सारे के सारे बेटा यहाँ पर नंबर याद होने चाहिए चीजों को। बच्चे कई बार क्या होते हैं डायरेक्टली मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो बेटा उससे कभी आंसर नहीं आता है, और सवाल बेटा आप लगाते रहते हैं और टाइम आपका चलता रहता है, और एक समय ऐसा आता है टाइम खत्म हो जाता है और आपका सवाल हल नहीं हो रहा होता चीजों को। तो पैटर्न आप खुद चेक कीजिए, खुद पकड़िए, इसीलिए क्यू और स्क्वायर परफेक्टली याद होने चाहिए। आपको लर्न नहीं है तो मान लीजिए कि आपसे नहीं होगा, ठीक बच्चों इतना। तो मैं आपको इसीलिए सवाल को रिपीट कराया जाता है, और बेटा इसीलिए बहुत सारे सवाल को हम रिवीजन में डाल देते हैं कि हम जितने ज़्यादा सवाल लगाएंगे उतना ज़्यादा आपका दिमाग ब्रॉड होगा, सोचने की क्षमता बढ़ेगी। ऐसे नहीं बेटा, मैथ को कहा जाता है कि सोचने की क्षमता बढ़ा देता है, सोचने की क्षमता बढ़ा देता है और आपकी स्पीड को एकदम
बढ़ा देता है चीजों को, तो इतना आपको मालूम होना चाहिए। तो जो मेरे बेटे बच्चों पैटर्न बना यहाँ पे, यहाँ 4 का क्यूब, यहाँ 3 का क्यूब, यहाँ पे 6 का क्यूब, यहाँ पे 7 का क्यूब। जब मुझे यहाँ पे 7 का क्यूब दिख गया, ठीक, क्योंकि अभी जस्ट याद कैसे आया कि मैंने प्रीवियस सवाल में किया हुआ था कि जब 7 का क्यूब कर रहा हूँ मैं तो 343 आ रहा, प्लस 7 कर रहा हूँ तो 350 आ रहा चीज़ों को। जब बेटा यहाँ पे 4 का क्यूब कर रहा हूँ या 5 का क्यूब, तो बस इस प्रकार से सवाल कोई भी आपके खराब गलत नहीं होते। कई बार बच्चे बोल देते हैं कि एग्जाम में सवाल गलत आया था, सवाल गलत नहीं होते हैं। ऐसे सवाल आते हैं आप लगाते रहते हैं कि सर इसका मल्टीप्लिकेशन कर रहे थे आए नहीं, तो ऐसे नहीं आता है। तो सवाल गलत नहीं होते हैं, आपकी अप्रोच गलत होती है। आपने सवाल को सही ढंग से अप्रोच नहीं किया है और आप सवाल को नहीं पकड़ पाए, इसीलिए सवाल ने आपका टाइम खा गया और आपको पेपर में भी पानी भरा दिया आपके लिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं वाला। अब चेक कीजिए बेटा यहाँ पे जो दे रखा बेटा मेरे पास, यहाँ पे 2/56 और 7/x। चलिए स्टार्ट कीजिए, क्या हो सकता है चीजों को। अब मुझे बताइए क्या इसके अलावा आप कर सकते हैं चीजों को, क्योंकि मुझे तो दिखाई दे रहा है आपके पास है मेरे बच्चों यहाँ पे 10 सेकेंड, और 10 सेकेंड है तो आप इसको कितने बढ़िया से अप्रोच कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। मैं आपका वेट कर रहा हूँ कि 10 सेकेंड में क्या बच्चे कर सकते हैं चीजों को यहाँ पे। ठीक, हो गया बच्चों। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। अब बेटा यहाँ पे क्या हुआ है चीजों को, इसको आप चेक करते हैं बेटा यहाँ पे। तो ए है बेटा हमारे पास 56 है यहाँ पे और 7/2 है। ठीक है, तो इसका हम क्यों करते हैं बेटा चीजों को यहाँ पर 8, 16, 32, 64, तो इससे बेटा हमारा बहुत बड़ा हो रहा है चीजों का चीजों का। लेकिन कहीं बेटा हम इसका 42 कर सकते हैं चीजों को यहाँ पर, हाँ 42 कर सकते हैं, तो प्रॉपरली आंसर आ जाएगा चीजों को 42, मिसिंग नंबर है यहाँ पर चीजों को। तो 7×42 / 8×56 यहाँ बेटा कितना हो रहा 72। तो बेटा हम इसको लिख सकते हैं चीजों को यहाँ पे 72 × 12 = 8 108। तो क्या बेटा इसका बेटा पैटर्न फॉलो कर रहा है चीजों को, इसका पैटर्न फॉलो कर रहा है बेटा, नहीं कर रहा है इसका पैटर्न फॉलो बेटा, तो और क्या पैटर्न हो सकता है चीजों को यहाँ पे। कुछ बेटा पैटर्न हो सकता है चीजों में यहाँ पे, देखिए यहाँ पे आप और यहाँ पे 9×72 इसको बेटा इस प्रकार से लिखिए यहाँ पे 7×56 / 8×72 / 8×72 / 9×90। अब चेक कीजिए बेटा यहाँ पर प्रॉपर बेटा पैटर्न आ गया है। आप यहाँ देखिए इसका जब मल्टीप्लाई बेटा किया तो 6×7 हो गया और 7×8 हो गया, तो यहाँ पे 8×9 हो रहा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 9×10, क्योंकि प्रॉपर बेटा फॉलो हो रहा है यहाँ पे कितना, तो 90। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ए रहा।
ये रहा आपके बेटा नेक्स्ट सवाल, आपसे बोला गया बेटा यहाँ पे किस सेवन बाई 56 और यहाँ पर 9 बाई इसको, तो बेटा किस प्रकार बेटे सवाल को हम कर सकते हैं चीजों को, अप्रोच करिए बेटे सवाल को, 5 सेकंड आपके पास, सवाल का अप्रोच कीजिए आप यहाँ पर 5 सेकंड। हाँ बेटा हुआ, चलिए अब बेटा देखिए ये फॉलो करा रहा बेटा, इसमें क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है कि इसका पैटर्न बनाइए आप, 7 × 7 + 1 नॉट 72 बेटा यहाँ पे, सॉरी 856, एक जो 7 हो रहा है और ये 8 हो रहा है चीनों को, इसमें बेटा 9 आ रहा है चीनों को, जब 9 हो रहा है पैटर्न यहाँ पे तो मुझे बेटा पैटर्न बन रहा है चीनों को यहाँ पे, क्योंकि ऊपर और इसके देखिए बेटा यहाँ पे कि 9 और 9 + 1, तो बेटा यही तो पैटर्न फॉलो हो रहा है, इस पैटर्न को देखिए आप यहाँ पे ऊपर क्या हो रहा है 7 upon 7, 7 + 1, 9, 9, 9 + 1 इतना, तो बेटा हो गया 7 by, तो बेटा क्योंकि आपके फॉलो तो यहाँ पे कितना जाएगा 19, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। हम इस प्रकार से बेटा सवालों को अप्रोच करेंगे चीजों को, जब आप बेटा अप्रोच आपकी एकदम बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी तो बेटा आपके सवाल एकदम परफेक्टली निकलना स्टार्ट हो जाना चाहिए। चलिए स्टार्ट कीजिए वाला, अब देखिए बेटा यहाँ पे क्या हो रहा है, 42 by 56 110 by x, अब इसको कैसे अप्रोच करेंगे आप, इसको बेटा कैसे अप्रोच करेंगे मुझे ये बताइए आप, हाँ बेटा कुछ होगा बेटा यहाँ पे देखिए, अब हम बेटा अप्रोच करने देखते हैं, 6 × 7 upon 8, 7 = 56 and 47, 7 × 6 + 2 इतना हो गया बेटा, मतलब बेटा हमने 7 तो एकदम कंपलसरी रखे यहाँ पर और इसी को 2+ ऐड किए चीजों को, यहाँ चेक करते हैं 10 × 11 बेटा, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे क्या स्मॉल नंबर हाईएस्ट नंबर और हाईएस्ट नंबर बराबर और स्मॉल नंबर में 2 ऐड किया यहाँ चीजों को, तो मेरे पास बेटा यहाँ आया और यहाँ पे कितना 10+2, पैटर्न एकदम बेटा फॉलो हो रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे स्मॉलेस्ट नंबर में 2 ऐड किया और यहाँ पे बेटा क्या है स्मॉलेस्ट नंबर में यहाँ पे 2 ऐड किया, तो बच्चों हो गया मेरे पास 110 by 112 मतलब 132 बेटा, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, 132 बी ऑप्शन बेटा इज द राइट आंसर बेटा, बस आपको इतना मालूम यहाँ पे होना चाहिए चीजों को यहाँ पे, ठीक है। हो गया बेटा, चलिए और साथ साथ बेटा उतारते चलिएगा सवालों को, क्योंकि बेटा सवाल जो है ये थोड़े से पैचीदे टाइप के हैं, ठीक बच्चों, और थोड़ा स्पीड भी मेंटेन रखना है कि हाँ सवाल आपसे हो रहे हैं चीजों को, अब बहुत ही मैं तो आपको एकदम बड़े पोलाइटली पढ़ा रहा हूँ बेटा चीजों को, कि आपको हर एक वर्डों को समझ में आ सके चीजों को, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो आपको बेटा इसका पैटर्न समझ में ना आ, क्योंकि विदाउट पैटर्न, क्योंकि रीजनिंग का मतलब होता है कि पैटर्न के साथ सॉल्यूशन लेना, ठीक, बड़े से बड़े बेटे सॉल्यूशन को बहुत इजीली वे में उठा लेना बेटे सवालों को, तो बेटे ये चीज यहाँ पे आपको मालूम चलनी चाहिए चीजों में यहाँ पे। चलिए स्टार्ट करते हैं, अब मेरे पास है यहाँ पे 48 / 122 68 168,
डिवाइड बाई एक्स। अब इसका कुछ पैटर्न बताइए मुझे आप, इसका क्या कुछ बेटा पैटर्न होगा, ये आपको क्या दिखाई दे रहा है? देखिए मुझे बेटा यहां मिल रहा है 7 का स्क्वायर, और बेटा यहां मुझे मिल रहा है 11 का स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, और यहां -1। इतना बेटा देखते रहे ना यहाँ पे, क्योंकि मेरे पास 7 के स्क्वायर -1 होता है 48 आता है, और 11 के स्क्वायर प्लस 1 होता है तो 122 आता है यहाँ पे बेटा। तो कितना 7, 9 बेटा स्किप है यहाँ पे चीजों को, डायरेक्टली बेटा कितना है 11। तो इसके जस्ट बेटा अब यहाँ क्या आया ये होता है 169, 13 के स्क्वायर -1, बेटा ऊपर वाला पैटर्न यहाँ फॉलो हो गया, तो अपॉन ये होता है 169 -1 इज इक्वल टू 168 होता है, और 169 बेटा क्या होता है 13 का स्क्वायर होता है। अपर पैटर्न फॉलो चुका है, सेकंड बेटा क्या, तो 8 9 10 11 चौथा, इसके चौथे वाला वर्ड बेटा यहाँ पे, तो उसमें बेटा अब चीज यहाँ पे 14 15 16 17, 17 के स्क्वायर प्लस 1, 17 के स्क्वायर प्लस 1, और 17 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों यहाँ पे, 17 के स्क्वायर होता है यहाँ पे 289 प्लस 1, तो ये 290 सी। या फिर दूसरा बेटा पैटर्न क्या बन रहा है कि 7 के स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 7 प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 13 प्लस 4 के स्क्वायर प्लस 1। पैटर्न तो वही आया, पैटर्न बेटा जो हमने यहां लगाया बेटा वही पैटर्न यहां लगाया, बस यहां पे डायरेक्टली नंबर लिख दिए और यहां पे फ्रिक्शन करके लिख रहा हूं चीजों को, समझे ना, फ्रिक्शन करके लिख रहा हूं। तो बच्चों आपको बस सारा का सारा यहां पे, मैं तभी आपसे फिर एक बार बोल रहा हूं कि जब भी आप रीजनिंग के सवाल लगाने जाएं या एनालॉजी के सवाल लगाने जाएं या सीरीज के सवाल लगाने जाएं तो आपको स्क्वायर पैटर्न सब कुछ आने चाहिए आपको, बस एडिशंस वो भी बहुत तेज आने चाहिए कि दिमाग में तत्काल क्लिक करें। अब मैं क्या इसके फैक्टर निकालूंगा यहाँ पे 168 के, मैं यहाँ पे फैक्टर निकालने बैठ जाऊँ, यहाँ पे मैं इसके फैक्टर निकालने बैठ जाऊँ या किसके स्क्वायर बन रहा है या इसका मल्टीप्लिकेशन करने बैठ जाऊँ, यहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं बेटा। जब तक आपको खुद के बेटा स्क्वायर पैटर्न मूल रूट्स क्यू रूट्स स्क्वायर रूट्स ये मालूम नहीं है बच्चों, तब तक आप बढ़िया स्टूडेंट नहीं बन सकते चीजों को, ठीक ना। तो अच्छे स्टूडेंट बनना है और अच्छे कॉलेज में अप्रोच करना है तो थोड़ी तो पढ़ाई करनी पड़ेगी बेटा। आप 2-3 महीना हैं सीबीटी एग्जाम के लिए और आईआईटी एग्जाम के लिए, यहाँ तक कीजिए ये सब बेटा पूछे जाते हैं, यूजीसी नेट में भी पूछे जाते हैं, है ना, सीएफआईआर में पूछे जाते हैं, तो बेटा उसको कंटिन्यू फॉलो कीजिए आप। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट सवाल, ए रॉबर्ट सवाल। ईच ऑफ दीज बेटा क्वेश्चंस कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ नंबर दैट हैव दिस सर्टेन रिलेशन बिटवीन रिलेशन टू ईच अदर, फॉलो बेटा फोर अदर पेयर एज अल्टरनेटिव सेलेक्ट द पेयर। आपसे बोल रहा बेटा कि ऐसा कौन सा बेटा पेयर है, यह है बेटा मेरे पास 27 by 9। जो पैटर्न बेटा इस पेयर में फॉलो कर रहा हो वही पैटर्न बेटा मुझे यहां दिखाना है कि 64 by 8। अब चेक कीजिए यहां पे, यहां मुझे दिखाई दे रहा है बेटा यहां पे कि 3 का क्यूब अपॉन 3 के स्क्वायर। तो बेटा यहां पे कहीं आपको दिखाई दे रहा है चीजों को कि 4 का क्यूब 4 के स्क्वायर नहीं है, 4 के बेटा क्यूब तो 64 होता है लेकिन ये नहीं है ये चीजें बेटा यहाँ पे, लेकिन मुझे बेटा यहाँ पे और कुछ दिखाई दे रहा है आपको, मुझे बेटा यहाँ इसमें बेटा क्या हो रहा है चीजों को, यह हो रहा है कि 5 का क्यूब अपॉन बेटा यहाँ पे 5 हो रहा है बेटा यहाँ पे 5 पावर 1 यहाँ पे, और यहाँ फॉलो हो रहा है चीजों पैटर्न क्योंकि यहाँ मेरे पास दे रखा है 729 by 81। आप इसको चेक कीजिए यहाँ पे, तो 9 का बेटा क्यूब अपॉन 9 का स्क्वायर बेटे परफेक्ट
9 का बेटा क्यूब यही होता है और 9 का बेटा पर स्क्वायर ए होता है 81। तो बेटा यहाँ पे डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, क्योंकि बेटा फर्स्ट ए पैटर्न नहीं फॉलो हो रहा चीज़ों को, क्योंकि यहाँ पे क्या है 8 है, तो यहाँ पे 4 इंटू 2 हो जाएगा, तो बेटा 4 के पावर 2 का बेटा यहाँ पे कोई फॉलो नहीं कर रहा है, बस इतना। तो मतलब जो मेरे पास पैटर्न दे रखा था 27/9, तो बेटा इसका जो पैटर्न होगा वो होगा डी आंसर। बी में बेटा क्या हो रहा है कि 5 के बाद क्यू तो हो रहा है लेकिन वह अपॉन 5 के बाद 1 हो रहा है चीनों को, तो बेटा वो भी पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है। अब बी सी आंसर बोल रहा है 135 इंटू 15, तो 135 बेटा तो ये तो पैटर्न बन ही रहा, तो 135 इंटू 135 को लाना है, तो 15 इंटू 9 अपॉन 9 अपॉन 15, तो कोई पैटर्न है नहीं, नहीं है चीनों को। और यहां पे अब दूसरे वर्डों में आप देखोगे बेटा पैटर्न को चेक करोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे बेटा चेक कीजिए दूसरे वर्डों में, तो यहाँ हमारा आएगा यहाँ पे कितना 3 आएगा, ठीक 3 आएगा, और यहाँ पे कितना है बेटा 8 आएगा, पहले वाले का एक का बेटा 8 आ रहा है, सी का बेटा मेरे पास यहाँ पे 9 आ रहा है, और बी का बेटा मेरे पास सॉरी बी का यहाँ पे कितना आ रहा है मेरे पास बी का आ रहा है बेटा 25 आ रहा है, और डी का बेटा मेरे पास आ रहा है 3। जब आप इसको कट भी कर देंगे तब भी मेरे पास प्रॉपर वही नंबर आएगा चलो 9, ठीक 9। लेकिन आपके बेटा ए पैटर्न भी यहाँ पे हम फॉलो नहीं कर सकते, तो हम डायरेक्टली बेटा इसी पैटर्न को फॉलो करेंगे कि कहाँ बेटा किसका क्यू हो रहा है या स्क्वायर रूट हो रहा है चलो आप, ठीक बच्चों इतना आपको क्लियर हो गया बच्चों। इतना बच्चों यहाँ देखिए आपके पास पैटर्न है 5/35, तो क्या पैटर्न बन रहा है 5/35, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे 5/5/7। हम इसमें क्या हो रहा है चीजों को, और तो कोई बेटा पैटर्न उसमें बन नहीं सकता है, स्क्वायर का बन नहीं सकता है, हाँ स्क्वायर का एक बात बन सकता है चीजों को यहाँ पे कि मैं यहाँ लिख लूँ 6-1/6^2-1, ए पैटर्न फॉलो, दो पैटर्न फॉलो करते हैं, एक तो बेटा ए वाला पैटर्न फॉलो करता बच्चों और दूसरा पैटर्न ए वाला फॉलो करता है, ठीक। अब इनमें चेक करते हैं चीजों को हमारे यहाँ पे, तो क्या आपके पास इसमें दिखाई दे रहा है कि 8 का दोनों पैटर्न चेक करते हैं 7 × 7 × 7 पॉसिबिलिटी नहीं है, यह दो ऐड करोगे तब भी इतना नहीं होगा, दो ऐड करेंगे तब भी इतना है, और ए वाला ये तो फर्स्ट पैटर्न हो गया जो हमने चेक किया है, ये फर्स्ट है और ये सेकंड पैटर्न है, तो फर्स्ट पैटर्न तो फॉलो नहीं हो रहा है, सेकंड पैटर्न यहाँ पे तो 8-1 और 8^2-1 64-1 नहीं, सेकंड पैटर्न भी फॉलो नहीं हो रहा बेटा। इसमें क्या हो रहा है आपका 11/5 × 11 ए पैटर्न जरूर फॉलो हो सकता है जिनको 9 × 5 × 9 ठीक है, और ए वाला बेटा यहाँ पे 3 × 8 ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जिनों को, लेकिन मुझे तो बेटा ओनली बस एक पैटर्न फॉलो दिखाई दे रहा है, कौन सा पैटर्न हो सकता है चीजों को यहाँ पे, क्योंकि जो वर्ड यहाँ पे आ रहा है उसी से मल्टीप्लाई बेटा यहाँ पे हो रहा था चीजों को, आगे उसके 2 तो यहाँ पे कितना आ रहा है 9 और उसके 2 ठीक है बेटा, और ये वाला पैटर्न मतलब यही नंबर से यहाँ पे, तो आपका बेटा हो जाएगा यहाँ पे सी ऑप्शन बेटा इज द राइट आंसर, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, और ए वाले पैटर्न तो बेटा यहाँ फॉलो हो नहीं रहा है, तो बच्चे के बेटा यहाँ पे पास ओनली कितना 2 पर बेटा, और भी सकता चीज़ों को यहाँ पे, क्योंकि बेटा ये सबके बेटा क्या है यहाँ पे प्राइम नंबर है, और ये तो प्राइम नंबर है नहीं चीज़ों को, अब प्राइम नंबर बेटा फैक्टर यहाँ फॉलो करेंगे चीज़ों को, तो मेरे पास यहाँ दिखाई दे रहा है चीज़ों को प्राइम नंबर का फैक्टर यहाँ फॉलो करेंगे
तो मुझे यहाँ पर मिला 7/11। और बेटा ए भी हो सकता है मेरे पास यहाँ पर प्राइम नंबर का पैटर्न, तो आपका इसमें बेटा प्राइम नंबर चेक करेंगे, क्योंकि इन सवालों में आपको प्राइम नंबर, ऑड नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर नंबर, सारे नंबर को यहाँ पे फैक्टर को यहाँ पे, तो मैं तभी आपसे बोला था यहाँ पे कि कोई भी ऑप्शन इसमें गलत नहीं होते हैं। तो मतलब बेटा यहाँ पे क्या ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, क्योंकि इसका पैटर्न मान रहा है डायरेक्टली कि 7/77 तो इक्वल टू 7/7 × 11। ए भी प्राइम नंबर पर मल्टीप्लाई हो रहा है, ऊपर बेटा प्राइम नंबर और यहाँ भी प्राइम नंबर बेटा, तो आपका फॉलो ए भी फॉलो हो सकता है चीज़ों को, ठीक। तो मतलब ए आंसर इज द राइट आंसर बेटा, ए आंसर इज द राइट आंसर चीज़ों को, ठीक। तो बच्चों ए भी हमारा प्राइम नंबर को यहाँ पे फॉलो कर रहा है चीज़ों को, ठीक बच्चों, ए चीज़ें यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे 8/256, अब मुझे इसमें कुछ दिखाई दे रहा है, हाँ दिखाई दे रहा है बेटा, यहाँ पे 8 का बेटा मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ पे 8 × 8 × 8 64 × 8 32 48 48 3 51 512 डिवाइड बाई टू 256। एक तो बेटा मुझे दिखाई दे रहा है, तो मतलब आपको चेक करना है कि 7 का क्यू करूं और उसमें बेटा डिवाइड बाई टू कर दूं चीज़ों को, लेकिन बेटा यहाँ पर 256 है यहाँ पे, तो ए पैटर्न बेटा यहाँ पर फॉलो नहीं हो रहा है, लेकिन आपका पैटर्न यहाँ पर जरूर फॉलो हो गया है, आप चेक कीजिए यहाँ पर। तो 10 × 10 × 10 बेटा कितना हो जाएगा यहाँ पे, 10 × 10 बेटा 1000 और डिवाइड बाई टू मतलब कितना हो रहा है यहाँ पे 500। तो जस्ट बेटा जो पैटर्न ए वाला बना यहाँ पे सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, इसमें भी पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है कि इसको 3 बार मल्टीप्लाई करते हो डिवाइड बाई टू करते हो, तो यहाँ पे ए आपका पास नहीं आ रहा, क्योंकि मेरा आया 512 आया और इसके डिवाइड बाई टू करने पर 256 आ गया बच्चों। तो यही बच्चों यहाँ पे हो रहा है कि 10 × 10 × 10 डिवाइड बाई टू तो 500 आ रहा है चीज़ों को, बस ए हो जाएगा मेरा पैटर्न जो फॉलो हो रहा है चीज़ों को, वो रहा 10/500 ए चीज़, ठीक बच्चों। तो ए तो हो गया बेटा हमारे पास, ए आपके क्वेश्चंस होमवर्क में है, आप चेक कीजिएगा, ठीक, और ए भी होमवर्क में सवाल है चीज़ों को। तो आगे वाले लेक्चर्स में हम लोग कंटिन्यू करते हैं चीज़ों को आपका, ठीक। और कोई बेटा देखिए अच्छा लग रहा है सिर्फ उनको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए चीज़ों को, मैं बार बार नहीं बोलूँगा, क्योंकि सवाल भी बताने होते हैं कि मैं यही बोलता रहूँ कि लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब, वो चीज़ें बेटा आप खुद से लिखिए चीज़ों को, ठीक बच्चों। कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बेटा अपनी राय दीजिएगा, और ऐसे ही बेटा क्वेश्चनों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट पर बेटा, जितना हो सके उतना लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, ये हमारे होमवर्क में कुछ सवाल हैं उनको आप